अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ दूसरों के घर जाने के आदाब. इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. इस्लाम जो है वो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है, वो हमें सही और गलत का बताता है. हमने ग्रेड वन में खाना खाने के आदाब पढ़े थे कि खाना खाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. इसी तरह आज हम पढ़ेंगे कि जब हम दूसरों के घर जाते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए. बहुत सी चीज़ों के आदाब होते हैं. बात करने के आदाब, ठीक है, खाना खाने के आदाब तो आप पढ़ ही चुके हैं, और आज क्या हम पढ़ रहे हैं? दूसरों के घर जाने के आदाब. हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के घर जाते थे तो वो भी इजाज़त लेते थे. तो जब हमारे आखिरी रसूल भी यही तरीक़ा अपनाते थे, जब किसी के घर जाते थे तो हमें क्या चाहिए? हम उनके बताए हुए तरीक़े को फॉलो करें. तो चलें हम पढ़ते हैं. सबसे पहले आप लोग अपनी बुक्स खोलें. चैप्टर नंबर 16, दूसरों के घर जाने के आदाब, पेज नंबर 61. दूसरों के घर जाने के आदाब. जब आप किसी के घर जाते हो तो आप किस तरह जाते हो? यानी जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो? आप सीधा अंदर चले जाते हो, दरवाज़ा नॉक करते हो, बेल रिंग करते हो, कितनी देर वेट करते हो, ठीक है, दरवाज़ा ना खुलने की सूरत में क्या करते हैं, और इजाज़त ना मिलने पे क्या करते हैं? तो आज हम ये पढ़ेंगे, दूसरों के घर जाने का इस्लामिक तरीका. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे प्यारे नबी ने कहा है कि जब हम किसी के घर जाएं तो इजाज़त लेके जाएं. जैसे कि आजकल मोबाइल फ़ोन्स का दौर है और हम सबके पास फ़ोन्स हैं, तो हमें क्या चाहिए? जब हम किसी के घर जाएं तो हम इन्फॉर्म करके जाएं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट जो जिसके घर हम जा रहे हैं उसको पता है कि हम आ रहे हैं, आप उसकी तरफ जा रहे हो. दोस्तों के घर जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, हमसायों के घर जाना, यानी अगर आप किसी फ्रेंड की तरफ जाते हैं, किसी रिलेटिव की तरफ जाते हैं, या अपने नेबर्स में किसी के घर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? हमें सबसे पहले घंटी बजानी चाहिए, और अगर घंटी ना हो या लाइट ऑफ हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? दस्तक देनी चाहिए, दरवाज़ा नॉक करना चाहिए, ठीक है. अब घंटी या दस्तक हम बजाई जाएंगे, कितनी दफ़ा बजाते हैं हम, किसी को पता है इस बात का? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3 मरतबा या तो घंटी बजानी चाहिए या 3 दफ़ा दस्तक देनी चाहिए. दस्तक मतलब दरवाज़ा नॉक करना, गेट नॉक करना. ये नहीं कि हम 3 दफ़ा घंटी बजा रहे हैं और 3 दफ़ा दस्तक दे रहे हैं, ये तो 6 टाइम्स हो जाएगा ना, इसकी तो हमें परमिशन ही नहीं है. हमने 3 दफ़ा नॉक करना है, ठीक है. जब हम किसी के घर जाएं, लेट सपोज मैं अपने फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि मैं पहले तो उसको फ़ोन करके जाऊँगी, ठीक है. फिर मैं क्या करूँगी कि मैं 3 दफ़ा घंटी बजाऊँगी या 3 दफ़ा दस्तक दूँगी. 1 दफ़ा बेल करके, थोड़ी देर वेट करके फिर बेल दूँगी, ठीक है. ये नहीं कि फटाफट आप बेल दी जा रहे हो, ठीक है, इस तरह नहीं करना. दरवाज़ा ना खुले पे, कि अगर दरवाज़ा ना खुले तो क्या करना चाहिए? हो सकता है ना कि हमने कौन सा इन्फॉर्म किया कि हम आ रहे हैं, मे बी वो घर पे ना हो या वो सो रहे हों, कुछ भी हो सकता है. तो अगर दरवाज़ा ना खुले तो हमें चाहिए कि हम वापस आ जाएं, बजाय इसके कि हम वहाँ खड़े होकर वेट करें, हमसायों से पूछें या किसी गुजरने वाले से पूछें कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे, ये घर पर है या नहीं. तो हमें चाहिए हम वापस आ जाएँ, हम फिर चले जाएँगे या हम फ़ोन करके दोबारा बात कर लेंगे, ठीक है ना. इजाज़त ना मिलने पर, इजाज़त ना मिलने से मुराद है कि जैसे आप किसी की तरफ जाते हो, ठीक है, तो लेट्स सपोज कि वो जो है वो घर पे नहीं है, ठीक है, या वो आपसे मिल नहीं सकता, उसके घर गेस्ट आए हुए हैं, या उसका ट्यूटर आया हुआ है, या उसके कुछ रिलेटिव्स हैं, ठीक है, या वो सो रहा है, कुछ भी तो हो सकता है ना. अब मैं अपने फ्रेंड की तरफ गई, एक तो मैंने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया, ठीक है, फिर दूसरा ये कि वो जब मैं गई हूँ तो वो बिज़ी थी,
तो मैंने इस चीज़ को माइंड नहीं करना कि वो मुझे नहीं मिल सकी, एक्सक्यूज़ कर लिया, ठीक है कोई बात नहीं मैं वापस आ जाऊँगी, मैं नाराज़ नहीं होंगी कि मेरी फ्रेंड थी मैं मिलने गई हूँ वो मेरे से मिली नहीं, कितनी बुरी बात है, नहीं इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं है, हमें क्या चाहिए कि हम वापस आ जाएँ, ठीक है। और अगर हम अंदर चले जाएँ, हमें इजाज़त मिल जाए, हमारी फ्रेंड अवेलेबल है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले उसको सलाम करना चाहिए, ठीक है ना। आपको पता है जब हम सलाम करते हैं तो हमें सलाम करने की 30 नेकियां मिलती हैं, ठीक है, जो पहले सलाम करता है उसको 30 नेकियां मिलती हैं। तो सबसे पहले तो जिसने गेट नॉक खोला है मैंने उसको सलाम किया है, फिर मैंने अपनी फ्रेंड को सलाम किया, तो इट मीन्स मुझे 60 नेकियां मिल गई, है ना, अच्छी बात है ना, ये हमें 60 नेकियां मिल गई। तो हमने सलाम करने में पहल करनी है, फिर सलाम करने के बाद हम अंदर चले जाते हैं, अंदर जाके क्या करना है, हमने बैठ जाना है, बजाय इसके हम खड़े रहें, हम टहलना शुरू कर दें, कभी इसी चीज़ को छेड़ें या कभी इसी चीज़ को छेड़ें, तो हमने ये नहीं करना, ठीक है, ये हमें नहीं सिखाया गया, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमने क्या करना है, हमने आराम से जाके बैठ जाना है, ठीक है। खड़े होकर झांकना बुरी बात है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर दरवाज़ा ना खुले तो हमें वहाँ खड़े नहीं रहना चाहिए, ठीक है, हमें झांकना भी नहीं चाहिए कि हम गेट के ऊपर से देख रहे हैं, गेट के नीचे से देख रहे हैं, ये सब तो बुरी बातें हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना है, हमें ये नहीं करना, ठीक है। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा, दूसरों के घर जाने के आदाब, उन आदाब में घंटी कितनी दफ़ा बजानी है, दरवाज़ा ना खुलने पे क्या करना है, अगर इजाज़त ना मिले तो क्या करना है, और किस तरीके से अंदर जाना है, कैसे बैठना है, और गेट पे खड़े होना है या नहीं होना है, हम सब ने ये पढ़ा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको नेक्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है, हम इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जो सीखते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे नबी पाक ने हमें बताया है ये तरीका इजाज़त लेने का, हम इजाज़त लेके जाएंगे, बल्कि हम इन्फॉर्म करके जाएंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, हमें अवेलेबिलिटी भी कंफर्म हो कि हमारी फ्रेंड घर पे है, ठीक है। कितनी दफ़ा दरवाज़ा नॉक करना है, 3 times, ठीक है, 3 times से ज़्यादा नॉक नहीं करना, सलाम करने में पहल करनी है, इजाज़त ना मिलने पे बुरा नहीं मनाना, खड़े होकर झांकना नहीं है, ठीक है। आप सब ने ये बातों का ख्याल रखना है, और आपने ये लेसन को अच्छे से पढ़ना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकअल्लाह।